हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार सिलेक्शन कोड में स्वागत है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस सिलेक्शन कोड पर सारी की सारी वीडियो आपको पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था आपका ऑप्शन ए जौ और चावल, जो कि आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ऑप्शन ए जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन डी तांबा आपका करेक्ट आंसर है। वेद शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? आपका सी ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट है, समाजवादी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार, ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? आपका ऑप्शन डी संघीय, जो कि आपका राइट आंसर है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का, ऑप्शन डी जो कि आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से देश फाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? आपका ऑप्शन ए चेन्नई, जो कि आपका राइट आंसर है। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? दक्षिण गंगोत्री, आपका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो आपका ऑप्शन ए जो कि आपका राइट आंसर, किन्नौर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? बुध, जो कि आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलियन उपग्रह नहीं है? डिमोस, जो कि आपका राइट आंसर है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। खगोल भौतिकी में प्रमा अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारों और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया? व्हाइट होल। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, -40 डिग्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, ऑप्शन इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर है। अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणु से बनी है? इनमें प्प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 35। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्थानी। अवगुद्रों संख्या का मान कितना होता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए लाल ग्रंथि, किस एंजाइम की उपस्थिति में के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई, आप ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची एक में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची सेकंड में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए, तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि आपका करेक्ट होगा ये। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, शर्करा जो कि आपका राइट आंसर है। निम्न से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, तो आपका ऑप्शन ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को पावर प्लांट भी कहा जाता है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक अगर आपने देखा इस वीडियो को तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लोगों से सब्सक्राइब करिएगा, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है मेरे भाई। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, लाइसोसोम, ऑप्शन डी जो कि आपको करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका जो कि करेक्ट आंसर है, उसको आप सही कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, केंद्रीयकरण जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई, 1929 जो कि आपका राइट आंसर होगा। अत्यधिक मंदी किस काल में आई, 1929 से 1934, ऑप्शन बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, मणिपुरी जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। व्यक्तियों सूची एक का गतिविधियों उद्योग सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बताइए, आपका ऑप्शन बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे, चित्रकारी जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। पीसी में प्रयुक्त होने वाले एकीकृत परिपथ प्रौद्योगिकी विकास के लिए निम्न में से किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर है। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किस नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऑप्शन ए जो कि आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2001 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है।
वर्ष 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? बताइए किसको मिला मेरे भाई? यूरोपीय संघ को, ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर है। सन 1983 में पुडेशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्टइंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था? आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा एकमात्र मेजबान देश है जिसने क्रिकेट विश्व कप को जीता था? श्रीलंका जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 में विश्व कप का आतिथ्य संयुक्त रूप से किया गया था तो कौन किया गया था भाई? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन बी जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1975। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपने वाणी को देता हूँ वहीं पर विराम। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लिए और नेक्स्ट